हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुदामनी। टुडे वी आर अपलोडिंग दिस प्रीलिम्स करंट अफेयर्स ऑफ 23 January 2021। सो टुडे कोट इज, समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ। तो हमें वैसे बड़ा ऐसा लगता है कि हमारे साथ टेस्ट इसलिए हो रहा है या हमारे हालात इसलिए क्योंकि हम इतने कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए नहीं क्योंकि हमें बल्कि वो ताकत मिलती है कि हम आगे कर पाए और उससे ब्रेवली कर पाए। इस वजह से फाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने डिस्कवर करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया साइंस। इंडिया साइंस नेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी OTT मीन्स ओवर द टॉप चैनल इज कम्प्लीटेड इज सेकेंड ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस। को 2 साल कम्प्लीट हो गए अपने एग्जिस्टेंस के। अभी OTT के आपको पता होना चाहिए, ओवर द टॉप OTT टीवी चैनल्स। ओके, इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इम्प्लीमेंटेशन, इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एंड मैनेज बाय विज्ञान प्रसार। आजकल जैसे OTT इतना चल रहा है, नेटफ्लिक्स ये सब हो गया, तो उस हिसाब से ये कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विज्ञान प्रसार, इट्स एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। अब जो न्यूज़ में चल रहा है उसको तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया साइंस। सो फीचर्स क्या है, 24/7 वीडियो प्लेटफॉर्म इज डेडिकेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी नॉलेज डिसमिनेशन विद अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू स्प्रेडिंग साइंटिफिक अवेयरनेस स्पेशली विद इंडियन परस्पेक्टिव इट वॉज एन कर्शन मिली लियो। ठीक है, 24/7 क्या एक वीडियो प्लेटफॉर्म है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अलग से डेवलप किया गया, उसके लिए नॉलेज डिसमिनेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, किस लिए, साइंटिफिक अवेयरनेस जागरूकता को फैलाने के लिए, इंडियन परस्पेक्टिव से उसके एथोस क्या है, कल्चरल ये सब चीज़ों के लिए। दिस इनिशिएटिव इज सपोर्टेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, NCSTC इसको सपोर्ट कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। MGIEP कॉन्टेक्स्ट, व्हाई वी आर रीडिंग दिस, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर शेयर्ड अ मीटिंग एंड पार्टिसिपेशन ऑफ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट्स कॉल्ड MGIEP इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये अब क्यों न्यूज़ है, क्योंकि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने मीटिंग को हेड किया है, चेयर किया है, किसमें पार्टिसिपेशन जो था महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। किस लिए इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मिनिस्टर सेट पॉलिसी इज इन लाइन विद द SDG ऑफ UNC। ठीक है, तो जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसकी लाइन में ही है ये। उसके बारे में जानना होगा, MGIEP है क्या, इट्स अ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का कैटेगरी 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यूनेस्को कैटेगरी 1 इंस्टीट्यूट बिल्ड साइंटिफिक कैपेसिटी इन मेंबर स्टेट स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये क्या करता है, साइंटिफिक कैपेसिटी डेवलप करता है अपने मेंबर कंट्रीज में और एसेंशियली किसके लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें। ओके, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। सो वायरस एंड न्यूज़, अभी क्या हुआ है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 ये अभी रिलीज़ की गई है। कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, WEF रिसेंटली इन्फेक्शियस डिजीजेज स्टॉप्ड अ ग्लोबल रिस्क चार्ट डिस्प्लेसिंग क्लाइमेट चेंज। अभी तक तो क्लाइमेट चेंज ही बहुत बड़ा इशू था, मुद्दा था, लेकिन अब उसको डिस्प्लेस करते हुए जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उनने टॉप किया है। ओके, सो रिपोर्ट फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे GRPS पे बेस्ड है। GRPS वॉज टेकन बाय मोर देन 650 मेंबर्स ऑफ लीडरशिप कम्युनिटीज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये जो GRPS है किसके हुआ है, कम से कम 650 मेंबर्स से और उससे भी ज़्यादा हो, ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। इनका एम क्या है, टू हाईलाइट द रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ वाइडनिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इंक्रीजिंग सोसाइटल फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक इन 2021 ओवर द डिकेड। इनका मेन एम ये है कि जो भी रिस्क है उसको हाईलाइट करना और जो भी कॉन्सिक्वेंस है, जो समय मिल रहा है इनइक्वालिटीज इंक्रीज जो हो रहा है, सोशल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, जो अपना का COVID-19 में हुआ है 2021 ओवर द नेक्स्ट डिकेड आगे के लिए। टेक अवेज क्या है, इसमें टॉप रिस्क इम्पैक्ट है द रिस्क पोस्ड बाय इन्फेक्शियस डिजीज। टॉप के इन्फेक्शियस डिजीज ने नंबर 1 ऑन द लिस्ट वाइल इन 2020 वॉज लिस्टेड एट 10th प्लेस, जो बल्कि 10th प्लेस पे था 2020 पे। ओके, इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 द इमीडिएट ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है और ह्यूमन कॉस्ट COVID-19 बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इट थ्रेटन द स्केल बैक ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस ऑन रिड्यूसिंग ग्लोबल पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। इतना ज़्यादा लॉस हुआ है कि थ्रेटन की तरह ग्लोबल पॉवर्टी के लिए, गरीबी के लिए और इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है।
इट विल ऑल्सो डैमेज सोसाइटल कोहेशन एंड ग्लोबल कॉपरेशन. जो हमारा ग्लोबल कॉपरेशन है वो भी डैमेज कर रहा है और सोसाइटल कोहेशन को भी डैमेज करेगा. वाइडनिंग डिजिटल गैप, डिजिटलाइजेशन विच वॉज एक्सेलरेटेड बाई पैंडेमिक इज वाइडनिंग द डिजिटल गैप बिटवीन इंडिविजुअल एंड अक्रॉस कंट्रीज. अब जो पैंडेमिक की वजह से क्या हो रहा है, जो डिजिटल गैप ना वो बढ़ता जा रहा है कंट्रीज के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में. देयर इज एग्रीवेटिंग एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज. जो भी इनइक्वालिटीज चल रही है पोलराइजेशन और अनसर्टेनिटीज की वजह से. क्लाइमेट कंसर्न डिस्पाइट द कोविड इन्फेक्ट. जो कोविड 19 क्लाइमेट रिलेटेड मैटर्स है बल्क ऑफ दिस ईयर रिस्क लिस्ट. तो रिस्क लिस्ट में ही आया. द रिपोर्ट हैज डिस्क्राइब दिस थ्रेट एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी. ठीक है, ये थ्रेट्स पहले से ही थे हमारी इंसानियत पे, ह्यूमैनिटी पे. अब आपको जानना होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट रिलीज़ किया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको जानना होगा. सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वॉज एस्टेब्लिश इन 1971 नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोस्तों 1971 में एस्टेब्लिश की गई थी, नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है. इट इज़ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन. ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन के लिए. इट एंगेजेस फोर मोस्ट पॉलिटिकल बिजनेस कल्चर अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी टू शेप ग्लोबल रीजनल इंडस्ट्री एजेंडा. ये क्या एंगेज कर रही है, पॉलिटिकल बिजनेस कल्चर लीडर्स सोसाइटी को ग्लोबली रीजनली और इंडस्ट्री एजेंडास में. ओके, नेक्स्ट ग्रीन बॉन्ड्स एवरी वन नो, बट वाई आर वी रीडिंग इस कॉन्टेक्स्ट क्या. अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द कॉस्ट ऑफ इशूइंग ग्रीन बॉन्ड इन इंडिया जनरली रिमेन हायर कंपेयर टू बॉन्ड्स. ठीक है, तो अभी अभी क्या हुआ है, आरबीआई ने ये किया है कि कॉस्ट ऑफ जो ग्रीन बॉन्ड्स है उसको इशू करने की जो कॉस्ट वो ज़्यादा हाई हो रही नॉर्मल बॉन्ड से. इट इज़ लार्जली ड्यू टू असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से. अब क्या है, इट्स अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है ये लोन के लिए. लोन मतलब डेट मतलब लोन, जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल बॉन्ड. जैसे नॉर्मल बॉन्ड होते हैं इशूड बाई इशूअर, जो इशूअर इशू करता है फंड्स के लिए. द ओनली डिफरेंस इज दैट दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर फंड टू सपोर्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बेनिफिटिंग द एनवायरमेंट. बस ग्रीन बॉन्ड में यही फ़र्क है कि लोन तो आपको मिल रहा है, पर आपको जो सपोर्ट मिल रही है ऐसा प्रोजेक्ट जिससे एनवायरमेंट को बेनिफिट हो, इसलिए इसको ग्रीन बॉन्ड बोलेंगे. ओके, ग्रीन बॉन्ड्स टिपिकली कम विद टैक्स इंसेंटिव्स टू एनहांस देयर अट्रैक्टिवनेस टू इन्वेस्टर्स. जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, टैक्स इंसेंटिव्स देते हैं जिससे लोग वो बॉन्ड्स लें और अट्रैक्टिव रहे इन्वेस्टर्स, किस लिए, फिर वो इन्वायरमेंट के लिए काम करेंगे. द वर्ल्ड बैंक इशूड द फर्स्ट ऑफिशियल ग्रीन बॉन्ड. सबसे पहले फर्स्ट ऑफिशियली ग्रीन बॉन्ड कब इशू हुआ था, 2009 में. ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया, अब ग्रीन बॉन्ड इन इंडिया का, येस बैंक वॉज द फर्स्ट इंडिया बैंक टू इशू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड GIBs इन इंडिया 2015. येस बैंक फर्स्ट था ग्रीन बॉन्ड इशू करने के लिए, जिसने सबसे पहले किया था 2015 में. सेबी हैज कलेक्टेड फॉलोइंग 8 कैटेगरीज. अब उसमें क्या कैटेगरीज है, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, लैंड यूज एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. ये पैरामीटर्स है जिसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर. सो व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट, तमिलनाडु गवर्नर मेक अ डिसीजन ऑन द प्ली फॉर द रिलीज ऑफ प्रिजनर. ठीक है, तमिलनाडु गवर्नर ने डिसीजन लेंगे वो कि रिलीज ऑफ प्रिजनर के बारे में जो प्ली लगाई गई है उसके लिए रिक्वेस्ट पे. द प्रिजनर इज अंडरगोइंग लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर द असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 1991. जो प्रिजनर उस टाइम पे अंडरगोइंग लाइफ इंप्रिजनमेंट में है, जो इन्हें असैसिनेशन किया था, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी है 1991 में. ठीक है, फॉर्मल आर्टिकल 161. अब आपको यहाँ पे पार्डनिंग पावर पता होना चाहिए. आर्टिकल 161 डील विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर. 161 में पार्डनिंग पावर है गवर्नर की. द गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव्स, रिस्ट्राइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड. ठीक है, आर्टिकल 161 में पार्डनिंग पावर दी गई है. गवर्नर क्या करेगा, पार्डन कर सकता है, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, पनिशमेंट दे सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है, रिमिट, कम्यूट सेंटेंस का. पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, जिसको ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया, अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड. ठीक है, उनकी पावर एक्सटेंड होगी. अब पार्डनिंग पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पता हो चाहिए. पार्डन मतलब क्या, इट मीन्स कंप्लीटली एब्जॉर्विंग द पर्सन ऑफ क्राइम एंड लेटिंग हिम गो फ्री. पार्डन क्रिमिनल विल लाइक बी नॉर्मल सिट. पार्डन का मतलब होता है पूरा माफ़ कर देना उस पर्सन को क्राइम से, बिल्कुल लेट हिम गो,
फ्री कर देना उसको, ठीक है। फिर पार्डन, जो पार्डन क्रिमिनल है उसको क्या होता है, नॉर्मल सिटीजन की तरह किया जाएगा। कम्यूटेशन क्या होता है, इट मीन चेंजिंग द टाइप ऑफ पनिशमेंट गिवन टू द गिल्टी इनटू द लेस हार्श वन, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या दिया है कि कम्यूटेशन में क्या होता है कि वही पनिशमेंट को हल्का सा लेस कर देते, मतलब जो हार्श है रूट पनिशमेंट है उसको थोड़ा लाइट कर दिया जाए, जैसे डेथ पेनल्टी, लाइफ सेंटेंस, उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, पनिशमेंट लाइट कर दी जाए। रेप्रीफ क्या होता है, रेप्रीफ मतलब इट मींस अ डिले अलाउड इन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, यूजली डेथ सेंटेंस, फॉर गिल्टी पर्सन टू अलाउ हिम सम टाइम टू अप्लाई फॉर प्रेसिडेंशियल पार्डन और सम अदर लीगल रेमेडी टू प्रूव इनोसेंस एंड सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन। रेप्रीफ का मतलब होता है थोड़ा सा समय दे देना, डिले कर देना दैट सेंटेंस में उस पर्सन को जो गिल्टी फील, गिल्टी है, अलाउ हिम सम टाइम, उसको टाइम दे दिया कि ठीक है प्रेसिडेंशियल पार्डन के लिए उसको टाइम मिल गया, लीगल रेमेडी के लिए, कि वो प्रूफ कर पाए कि हाँ वो इनोसेंस है, वो मुजरिम नहीं है, ठीक है। या फिर सक्सेसफुल रिहैबिलिट करना। रिस्पाइट मतलब होता है इट मीन रिड्यूसिंग द क्वांटम और डिग्री ऑफ पनिशमेंट, उसी पनिशमेंट की डिग्री को क्वांटम कम कर देना, टू क्रिमिनल इन व्यू सम स्पेशल, जैसे कोई प्रेग्नेंट या मेंटल कंडीशन, तो उनके पनिशमेंट थोड़े से चेंज कर दी जाती डिग्री ऑफ पनिशमेंट। रिमिशन क्या होता है, इट मीन चेंजिंग द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर, ठीक है। तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट तो चेंज हो जाता है लेकिन नेचर वही रहेगा, जो आपको पनिशमेंट मिला है वही आपको फॉलो करना है, वही आपको करना है, ठीक है। अब क्या है, फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग 20 ईयर रिगुलर इंप्रिजनमेंट टू 10 ईयर, 20 ईयर का आपको सजा मिली थी, आपको 10 ईयर की दे दी गई, सज़ा वही है, बस थोड़ा टाइम कम है। डिफरेंस बिटवीन पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर में क्या डिफरेंस है। गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस बट द प्रेसिडेंट कैन, गवर्नर सब कर सकते पर वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, पर प्रेसिडेंट के पास वो राइट है। गवर्नर कैन नॉट ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पीट, सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशन रिस्पेक्ट टू अ पनिशमेंट सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल, बट प्रेसिडेंट कैन डू, ठीक है। गवर्नर ग्रांट नहीं कर सकते पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, सस्पेंशन, रिमिशन, कम्यूटेशन, ठीक है, कोर्ट मार्शल वाले केस में, लेकिन प्रेसिडेंट कर सकते हैं। नाउ इमेज ऑफ गैलेक्सी क्लस्टर एबेल 370, नासा ने क्या किया, शेयर किया पिक्चर ऑफ एबेल 370 कब, जनवरी 19 को, ऑन ए सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर इंस्टाग्राम। द इमेज डिपिक्ट मैसिव क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सीज का क्लस्टर लोकेटेड जो 4.9 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ है। अब नासा के बारे में जानना होगा तो एस्टेब्लिश अंडर नासा एरोनेटिक्स एंड स्पेस है, 1958, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, यूएसए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नासा, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट नहीं तो मैंने ऐड नहीं किया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नासा, अब नासा का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सपांड ह्यूमन नॉलेज ऑफ स्पेस, जो ह्यूमन नॉलेज है उसको स्पेस के बारे में उसको एक्सपांड करना, ठीक है। टू लीड द वर्ल्ड इन स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल तकनीकी इनोवेशन में लीड करना। टू डेवलप व्हीकल्स दैट कैन कैरी बोथ इक्विपमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू स्पेस, ऐसे व्हीकल डेवलप करना जिसमें इक्विपमेंट्स भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेस तक के। टू कोऑर्डिनेट विद इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना, अचीव करना ग्रेटेस्ट पॉसिबल जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट है। अब स्पाइसेस बोर्ड क्या है, स्पाइसेस बोर्ड इज अ कंट्री अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। स्पाइसेस बोर्ड जो मैं मसाले उसका एक बोर्ड बन गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूट 1987 के अंदर बना, कॉन्स्टिट्यूट हुआ है अंडर स्पाइसेस बोर्ड एक्ट, स्पाइसेस बोर्ड एक्ट के अंदर बाय मर्जिंग। अब मर्ज किससे कर दिया, कार्डोमम बोर्ड एंड स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। स्पाइसेस बोर्ड इज वन ऑफ द 5 कमोडिटी बोर्ड फंक्शनिंग अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये उनमें से एक है जो 5 कमोडिटी बोर्ड्स होते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। इट्स ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी है जो प्रमोशन कर रही है 52 शेड्यूल्ड स्पाइसेस, जो 52 शेड्यूल्ड है स्पाइसेस इनके, एंड डेवलप्ड ऑफ स्मॉल एंड लार्ज कार्डोमम, ठीक है। सो वन मोर डिस, अनिल काकोडकर कमेटी, यू कैन, इट कैन बी कम के किससे रिलेटेड है, तो अ कमेटी टू डेलिब्रेट ऑन इशू ऑफ डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कमेटी वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर एपेक्स, जो एपेक्स कोर्ट जज के कोर्ट जज है जस्टिस बी एन कृष्णा, ठीक है, उनके अंदर बनाई गई अनिल काकोडकर कमेटी। HAL टू डिलीवर 3 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, HAL 3 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स डिलीवर करेगा, HAL टू डिलीवर 3 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सून। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इज शेड्यूल टू डिलीवर फर्स्ट बैच डिलीवर करेंगे 3 इंडिजीनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का आर्मी एंड एयरफोर्स के लिए। द आर्मी वेरियंट ऑफ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो LUH इज अ 3-ton हेलीकॉप्टर, 3-ton हेलीकॉप्टर है पोजिशन रिप्लेसमेंट फॉर चीता एंड चेतक, रिप्लेसमेंट करेंगे चीता एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स का। सो नेक्स्ट इज ट्राइडेंट एंड पाइथन, यू मस्ट नो ये टर्म्स किससे रिलेटेड, ऑपरेशन ट्राइडेंट
was an offensive operation launched by Indian Navy on Pakistan port city of Karachi during Indo-Pakistani War 1971. Operation Trident एक offensive operation है जो Indian Navy के द्वारा Pakistan port of city Karachi में किया गया था. किस टाइम पे? ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तानी वॉर 1971. ऑपरेशन पाइथन क्या है? ऑपरेशन ट्राइडेंट वाज द कोड नेम ऑफ नेवल अटैक. वो एक नेवल अटैक का कोड नेम है. लॉन्च ऑन वेस्ट पाकिस्तान पोर्ट सिटी, वेस्ट पाकिस्तान की पोर्ट सिटी कराची में बाय इंडियन नेवी ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तानी वॉर 1971. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.